बस कर है ही अल्लाह, क्यों मन इतना टेंशन में आता है, चिंता है चिता समान। हाउएवर आई ऑल्सो लाइक दिस वर्ड चिंता, क्योंकि जो योगी चिंता का सामना करता है ना, वो अपने योग शक्ति से, योग शक्ति मतलब ज्ञान से उत्पन्न हुई शक्ति से, अपने साथ लग लगे की तरह इतनी मेहनत में उतर जाता है। क्यों? क्योंकि वो चिंता का निवारण बाहर से नहीं करता। बाहर से आज करोगे कल दूसरी चिंता खड़ी हो जाएगी, वो करोगे फिर चौथी चिंता, फिर पांचवी, फिर सौवीं चिंता खड़ी हो जाएगी। उसी का निवारण करते जाएंगे ना, और आपके हाथ में निवारण करने की गारंटी भी नहीं है। कैसे किसी और के मन को हम जाके अपना हाथ उसके सिर में अंदर में घुसा के नर्व्स को ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं, वो योगी अपनी योग शक्ति मतलब अपने ज्ञान की शक्ति से 10 उंगलियों का जोर लगाकर इतनी अंदर में वो रास्ता लेता है, इतना लग लगे की तरह अपने अंदर लग जाता है, क्योंकि उसको एक चीज रास नहीं आती, और वो है उसी का मन चिंता में जब घुस जाता है तो उसको अपने ऊपर ग्लानी होती है, उसकी नजर बाहर की तरफ अब हो ही नहीं सकती, अंदर की तरफ होती है, लग लगे की तरह वो अंदर घुस जाता है। और गुरु का हाथ तो ऐसे योगी के ऊपर तो होना निश्चित ही है, क्योंकि हमारा जो निश्चय है वो हमारा निश्चय को आगे बढ़ाएगा। आज नहीं तो कल संतों हम सबको इसमें उतरना ही पड़ेगा। There is no other exit. There is no other exit. However intelligent we may be, भले आप MA हो, भले PhD हो, शाबाश है, बहुत सुंदर है, उसको भी यूज करो, उस दिमाग को, उस इंटेलिजेंस को, बहुत अच्छा है। कोई भी नॉलेज रखना, इंफॉर्मेशन दिमाग में एकत्रित करना किसी भी डायरेक्शन से बहुत अच्छा है, पर पर्याप्त नहीं है, पर पर्याप्त नहीं है। बुद्धि चलने से थकान होती है। नेचुरल स्टेट इज द स्टेट ऑफ द ब्रह्म फ्लोइंग इन एंड आउट, और जो ब्रह्म फ्लो हो रहा है ना, आपकी सोच उसको रोक सकती है, ना ही आपकी मृत्यु। वो ब्रह्म तो फ्लो ही होता जाता है, वो ही प्रकट है और वो ही अप्रकट है। दो का भाण मन का विकार है, उसी को तो धोने आते हैं यहाँ पे, उसी को तो धोने आते हैं। So let's get started with the start. Let's get started right from the beginning. Have mercy on yourself. अपने ऊपर महाकृपा करो। महादेव की कृपा तो है ही, बरस रही हमारे ऊपर, क्योंकि वो ही तो ये बना, वो ही तो शरीर बना। और बिफोर वी स्टॉप दिस सेशन टुडे, एक और बात तो आपको गांठ बांधनी है अपने अंदर। प्लीज फिगर आउट, अंदर ही अंदर कूद के फांद के जो भी करना है करो, पर अपना और पराया का डिफरेंशिएशन मन में समझना है। आप आत्मा को आपके शरीर और इंद्रिय से कोई मतलब नहीं है। इंद्रिय कुछ भी करे, मन में कितनी भी वासनाएं उछले, कितनी भी चंचलता होवे, इंद्रियों में कितनी भी बातें चलती जाएं, कितनी भी वो वासना द्वारा जो भी कर्म करे, ना उससे आपकी हानि होती है, और जो इंद्रियों को दबाकर ना करने से ना ही आपका कोई लाभ होता है। समझा? अब ये वचन अहम जैसे, आप जैसे उच्च कोटि महारथी योगियों के ही लिए है। Not someone who has no space for awakening. Awakening का space मतलब जो अपनी उन्नति चाहता है, जो अपनी सीखने की खिड़कियों को उसने बंद करके नहीं रख दिया कि अरे ये क्या सत्संग में बोलते हैं, ये तो हमको तो पहले से ही मालूम है, अरे दीदी कौन सी नई बात बोलने वाली है जो हमको मालूम नहीं है, अरे हमको नहीं सुना, प्लीज हमको अपना ज्ञान मत सुना, अपने पास रखो अपना ज्ञान। ये क्या है, ये क्या है संतो? खुद ही सीखने की सीढ़ी हमने हटा दी,
खुद ही अपने मन के अंदर में जो सीखने के दरवाजे हैं हमने बंद कर दिए, अपनी उन्नति के रास्ते में हमने खुद रोड़ा पाल के रख दिया है। अरे मोक्ष तो दूर, मुक्ति तो दूर, स्वर्ग तो दूर, हमने क्या किया, पैसा देकर नर्क खरीद कर। मन के विकारों के अंत के लिए गुरु की सादगी की शरण की बहुत जरूरत है। जो गुरु की सादगी है अहंकार से खाली, जो उनका मन है एज इन व्हाट इन कंडीशन नॉन जजमेंटल, ना ही वो माया को तिरस्कार करता है, ना ही माया को प्राप्त करने का कोई विचार उसके अंदर में आता है, ना ही वो मुक्ति का यत्न करता है, क्योंकि वो अपने को बंधन में पाता ही नहीं है। ऐसा सादगी वाला मन, क्लैरिटी वाला मन, जिसमें दो बस नहीं सकता, जिसमें कहीं कोई टेंशन है ही नहीं। संत, जिस दिन आपका मन आपको तंग करने से छुट जाए ना, दुनिया की कोई ताकत आपको तंग नहीं कर सकती। वो रानी चुड़ाला की कहानी मालूम है ना, एंड में वो अपने हस्बैंड की कितनी टेस्टिंग करती है, स्त्री रूप में भी वो आती है, बोलती है मुझे तेरे से शादी करनी है। वो टेस्ट करती है कि भैया कामनी कंचन कीर्ति, चलो काम वासना सबसे प्रबल होती है, कई संत महामुनि महाऋषि इस वासना में कभी ना कभी फिसल ही जाते हैं, गुम हो ही जाते हैं, कोई संभल कर अपनी आत्मा में फिर आ जाते हैं। लेकिन जो जागा हुआ बंदा है ना, वो काम वासना से बिल्कुल नहीं घबराता। क्या बोला मैंने, जो जागा हुआ बंदा है वो काम वासना से बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि उसके अंदर में क्या सॉलिड हैवी ड्यूटी खुलासा हो चुका है। उसने सत्य का, नॉट प्रिज्यूमेबली सत्य, हो सकता है ये सत्य है नहीं, पूर्ण खाकरी के साथ पूर्ण सत्य का एकदम उसको मालूम पड़ गया। दूध का दूध, पानी का पानी उसके अंदर में हो गया, कंप्लीट क्लैरिटी। एंड व्हेन यू ऑपरेट फ्रॉम द स्पेस ऑफ कंप्लीट क्लैरिटी ना, तो कौन सी वासना बांधेगी। वो विचार करते हुए भी उसने क्या बोला रानी चुड़ाला को, जो वेश बदल कर आए थे, क्या बोला कि कोई बात नहीं, तुम बोलती हो कि तुमको मुझसे शादी करनी है, मैं करने को रेडी हूं, क्योंकि मेरे अंदर का कौन सा विचार है, कौन सी जागृति है कि इंद्रिय जो है, इंद्रियां और मन, उनमें तो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक फाउंडेशनल एनर्जी, जो प्राकृतिक स्वभाव उनका है ही वासना, उससे कोई मेरे को अंतर नहीं पड़ता। तो फिर वो शादी करते हैं अपनी ही रानी के साथ, उनको ये बात तब तक मालूम नहीं थी, वो अपनी ही रानी के साथ शादी करते हैं, और उन दोनों ने अपना गृहस्थ का जीवन, वो जो है हस्बैंड एंड वाइफ का, वो जीते हैं। पर रानी ऑब्जर्व करती है अपने पति को कि उनके अंदर में ना एक होता है ना दो, एक भी लकीर नहीं होती, ना आसक्ति की ना अनासक्ति की, ना उनके अंदर में किसी भी प्रकार का गिल्ट उत्पन्न होता है कि अरे मैंने इतना टाइम तप किया, and now see what am I indulging into, why? Again, I'm telling you, please understand why. क्योंकि उनके अंदर में the differentiation of the real him was very strong. उनके अंदर में कोई confusion ही नहीं था कि उनका असली अस्तित्व क्या है, वो उनका जो असली जो है वो क्या है, आत्मा तक कुछ पहुंचता ही नहीं है। इस बात का आपको एहसास हो जाए, आप जीते हो उस सत्य को, जी ही रहे हो, तो वहां पे कुछ पहुंच ही नहीं सकता। कोई भी मन का ख्याल, इंद्रियों का रस, मन की चंचलता, शरीर का गुण अवगुण वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। उल्टा जो उसमें जी रहा है ना आत्मत्व में, वो इनके गुणों से और अवगुणों से दोनों से विरक्त रहता है। He respects it.
And is also above disrespecting it. And that is it. अगर आपके जीवन में जैसे यहाँ पर normal, natural आप देखते हो ना, किसी भी चीज को बोला जाता है आपको ऐसे मत खाना, ऐसे मत पहनना, वहां मत जाना, अरे उससे आपका क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, सत पे जागना। और फिर एंड में उनको एक और टेस्ट लेना था अपने पति का। उन्होंने बोला कि ना, आपके साथ तो मैं जी ली हूं, लेकिन उसने योग शक्ति से एक जवान लड़के को प्रकट करा। और जब उनका पति, जो इतने ज्ञानी हो चुके थे, जब वो नदी से स्नान करके आए, तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी किसी और के साथ बैठी है, तो वो फटाफट बाहर आ गए कि उनको कोई बाधा ना हो। प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर वेरी सटल थिंग्स। इतना हम ज्ञान सुनते हैं, पर हम अटकते कहाँ हैं? जेलसी, इनसिक्योरिटी। मेरे को योगी जाके बोलते हैं, दीदी हाउ डू आई डील विद माय इनसिक्योरिटी, दीदी मेरे को जलन होती है कि समवन एल्स इज बेटर देन मी। वेयर आर वी ऑपरेटिंग फ्रॉम? जिस दिन मेरा मन इन भावनाओं से मुक्त हो जाता है, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपके अंदर की उड़ान हद तक की होती। डू यू अंडरस्टैंड? वो बाहर आ गया, भागती भागती उनकी बीवी बाहर आई, ड्रामा कर रही थी, टेस्ट कर रही थी, भागती भागती आई, बोलती मेरे को माफ करना, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, वो मैं क्या करूं, मैं अट्रैक्ट हो गई किसी और के प्रति, मैं क्या करूं, आई हैड दिस एंड आई हैड दैट एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो मुस्कुराते हुए उसको बोलता है, देखो इतने शब्द आप क्यों दे रहे हो, मुझे ना आपकी ओर क्रोध आ रहा है, ना ही मेरे अंदर में ग्लानी उत्पन्न हो रही है, कुछ भी नहीं। हर इंसान अपने सुख के लिए ही यत्न करता है। सिंपल, गांठ बांध लो संतो, लिखो ये लाइन, ये हम जानते जरूर है, पर अपने को पीड़ा भी हम ही देते हैं, है ना। हर इंसान अपने को सुख देने के लिए ही हर यत्न करता है, और अज्ञान में होने के वश के कारण अपने अहंकार से चलना ही वो अपना सुख समझता है। डिड यू गेट दिस? अज्ञान के कारण वो अहंकार में चलने को ही अपना सुख समझता है, इसलिए कभी जोर से बात करेगा, कभी स्टाइल में बात करेगा, कभी झूठ बोलेगा, कभी मैनिपुलेट करेगा, कभी आप को पता नहीं क्या समझकर कैसे कैसे व्यवहार करेगा, क्योंकि सुख में जीने का उसको यही मतलब मालूम है। जो आदमी और घर में जो भी गर्म प्राणी है, वो अपना सारा ठोस कहाँ निकालेंगे? घर में ही। तो अरे मेरी बात ये नहीं मानता, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तुमको मानना ही है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? सारा हमारा दोष दृष्टि घर में ही है। तभी बोला कि हमको, हर बंदे को जितना वो ज्ञान सुने उतना कम है, जितना हमको ज्ञान सुनने को मिले ना उतना कम है। कितनी एक सुंदर बात कल हमको एक योगी ने बोली कि दीदी, जब हम कनेक्टेड रहते हैं गुरु कृपा से, गुरु वाणी के साथ, मन अपने आप थोड़ा स्टिल रहता है, ठंडक में रहता है, ये ऑटोमेटिक एक करामात है, हमारे रास्ते में वो सहायक बन जाता है। कितना जरूरी है टू स्टे कनेक्टेड। मैंने अंदर से बोला कि हाँ राइट बोलती है ना योगी, सही बोलती है ना, as the company so the color। जब निराकार साकार रूप में इतने सारे योगियों का वाइब्रेशन, ये वाणी, ये साकार रूप, ये हर चीज जब हमको मिल रही है, तो हम उसका आनंद क्यों ना लें? तो जब उसने ये बात सुनी चुड़ाला रानी ने कि अरे इनको तो कुछ हुआ ही नहीं, उस टाइम उन्होंने अपना ये सारा रूप त्याग कर ओरिजिनल चुड़ाला रानी के रूप में आ गई, और उनको अंदर में खाकरी हो गई कि अब उनका जो पति है, जो राजा है, वो एक्चुअली जीवन मुक्त ही है। जीवन मुक्ति का आनंद इतना ऊंचा है कि जीवन भी है और आप मुक्त भी हो। वाह, कितनी सुंदर बात है, जीवन भी है और आप मुक्त
भी हो, मतलब आत्म अनुभव तो है ही, व्यवहार का सही अनुभव भी है, और आत्मत्व में टिकने के कारण झूठ आपको घेर सकता नहीं है। जीवन मुक्त इसी का नाम है।